हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके साथ साथ में हमारा रियो डी जेनेरियो में जो हमारी अर्थ समिट हुई थी 1992 में, वो भी हमारा इसी के साथ इंटर रिलेटेड है, उसे भी हम समझ लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है। क्योटो प्रोटोकॉल की कहानी शुरू होती है हमारी 1992 से, जहाँ रियो डी जेनेरियो में हमारी अर्थ समिट हुई थी, जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, UNCED इज़ इनफॉर्मली नोन एज अर्थ समिट 1992, जो हुई रियो डी जेनेरियो, एक शहर है हमारा ब्राज़ील का, वहाँ पे। ठीक है, तो उस समय पे जो भी कंट्रीज रियो डी जेनेरियो में आई, तो वो उस समय पे इस बात पे चर्चा कर रही थी कि क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो उसके सोल्यूशन के लिए वो सब मिले थे वहाँ पे। तो उसी का ही प्रभाव हुआ कि जून 1992 में, ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो की हमारी समिट हुई थी, और वहाँ पे UNFCCC यानी कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी बनाई गई, एग्जिस्टेंस में आई अंडर द एजेस ऑफ UN। ठीक है, साइन की गई जून 1992 में, बट इन्फोर्स कब हुई, 1994 में। ठीक है, जिसमें हमारे UNFCCC क्या बोल, मार्च 2014 तक 196 पार्टीज़ हैं, आलमोस्ट सारी कंट्रीज इसके अंदर हैं हमारी। ठीक है, तो UNFCCC क्या है, एक तरीके से उन्होंने क्या कहा कि हम कन्वेंशन करेंगे हर साल, कॉप होगी यानी कन्वेंशन ऑफ पार्टी होगी, कॉप होगी, और हम किसके बारे में बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के जो हो रहे हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई प्रोसेस निकालेंगे उसके लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आता है हमारा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए उस दौरान हमारे। पहला जो रियो डी जेनेरियो में हमारा लीगली बाइंडिंग हुई, वही कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कन्वेंशन हुई थी। ठीक है, उसके बाद आया फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी मैंने आपको बात की, UNFCCC। ठीक है, जो कि हमारे फोर्स में आया 21 मार्च 1994 में, और उसके बाद से हमारी फिर कॉप्स होनी शुरू हुई। ठीक है, और तीसरा था हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन की जो कन्वेंशन हुई वो क्या थी, कि हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो पहले तो अच्छे थे, बट अब वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है कम पानी होने की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ड्रॉट ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में था। अब देखो रोल क्या है UNFCCC का, प्रोवाइडिंग फॉर्मवर्क फॉर नेगोशिएटिंग स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड द प्रोटोकॉल्स दैट एम टू सेट बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेस। तो मेन जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस में भी किसका ज़्यादा इमिशन हो रहा है, हमारा कार्बन का इमिशन हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए जाएँ, कुछ प्रोटोकॉल्स किए जाएँ, और इसी के लिए, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री जल्दी से सहमत नहीं होती है, तो क्या है, एनुअली कॉप्स होंगी, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यही है, स्टेबलाइज करें ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को इन ऑलमोस्ट एटमोसफेयर एट ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। और लीगल इफेक्ट क्या है, ट्रीटी इज कंसीडर लीगली नॉन बाइंडिंग, द ट्रीटी इटसेल्फ सेट नो बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन और इंडिविजुअल कंट्री। तो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, अगर आप UNFCCC के मेंबर हैं तो आपके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, आप कॉप में आएंगे, बट वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स डिसाइड होंगे, अगर आपने वहाँ पे उसको रेटिफाइड कर दिया, उस पे साइन कर दिया, देन आप लीगली बाइंडिंग है। ठीक है ना, तब लीगली आप पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ पार्टी, तो ये ध्यान रखना कि COP का मतलब है कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, जो कि हर साल होंगी कॉप्स। ठीक है, द कॉप इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UNFCCC, ऑल स्टेट्स आर द पार्टीज टू द, ठीक है, कन्वेंशन आर प्रेजेंटेड एट द कॉप, जो उस टाइम पे हैं हमारे पार्टीज रिप्रेजेंट करिए, वो सब क्या हैं, एक तरीके से डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, दे रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लीगल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे, अगर वो उस पर सहमत हैं तो, कोई अगर प्रोटोकॉल बनाया गया है, कोई एग्रीमेंट बनाया गया है, तो दैट द कॉप अडॉप्ट्स, दे प्रमोट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन। द फर्स्ट कॉप मीटिंग, फर्स्ट जो कॉप की मीटिंग हुई थी वो हुई थी बर्लिन जर्मनी में इन मार्च 1995 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी हमारी, बर्लिन जर्मनी इन मार्च 1995 में। ओके, अब उसके बाद देखो कौन कौन सी कॉप्स हुई हैं, सबसे पहली कॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बर्लिन में हुई हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो मेन कॉप है, जो आज हमारा टॉपिक है मेन, COP 3 यानी COP 3 1997 में हमारा क्योटो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज आया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है वो 2002 की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिल्ली, न्यू दिल्ली में हुई थी इंडिया के अंदर, तो इसको भी एक बार आप देखना। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये जो मैंने रेड में मार्क किए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट कॉप्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से साल में हुई हैं। ठीक है, और किससे रिलेटेड थी ये। ओके, अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस, एक आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हमारी, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है,
आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पीपीटी रखी है। आप देखो क्वेश्चन क्या हुआ है यहाँ से रिलेटेड हमारा, दिसंबर 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की जा रही है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव क्या था। यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ऑप्शन में दिया हुआ है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, टू प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज, टू ले डाउन इन्फोर्स मैकेनिज्म, टू प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान बाय मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन है कि हमने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन को एटमोसफेयर के अंदर, हमने कम करनी है, हमारे जो लेवल बढ़ गया है उसको एक स्टेबलाइज उसमें लेकर क्या आना है। ठीक है, यही हमारा मेन कंसर्न था, ऑब्जेक्टिव था UNFCCC का। अब देखो क्योटो, तो हमारी कॉप हुई थी 3 कॉप, थर्ड कॉप जापान क्योटो के अंदर, क्योटो शहर के अंदर इन 1997, जहाँ जन्म हुआ हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो वहाँ बात की गई कि हमें एक ऐसे एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे डेवलप्ड कंट्री ने जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन किया है उस पर कुछ रोक लग सके। ठीक है, वो अपनी इमिशन को कम करें। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 192 कंट्रीज जो हैं वो इसका पार्ट हैं, और इंडिया ने कब रेटिफाइड कर दिया इसको एज ए डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, 2002 में, और ये फोर्स में कब आया, फेबररी 2005 में, जबकि 1997 में जापान में क्योटो शहर में इसका बात की गई थी, बट मतलब प्रोटोकॉल डिसाइड किया था, बट इस पर साइन नहीं हो पा रहे थे, यानी कि सबका एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था सभी कंट्रीज़ का, और USA तो कभी इसका पार्ट ही नहीं बना, उसने कभी रेटिफाइड नहीं किया इसको, ऑफिशियली माना नहीं इसको कभी भी। ठीक है, और कनाडा ने भी 2011 में इसको विड्रॉ कर लिया, पहले इसको रेटिफाइड किया, बाद में 2011 में इसको विड्रॉ कर लिया। तो देखते हैं पूरा इसका क्या गोल रहा, और देखो इसकी भी दो कमिटमेंट रही, क्योटो प्रोटोकॉल की भी फर्स्ट कमिटमेंट एंड सेकेंड कमिटमेंट, इसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले इसका गोल देखते हैं कि गोल क्या रहा क्योटो प्रोटोकॉल का। गोल सिर्फ यही था कि जो एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस हो रहे हैं क्लाइमेट सिस्टम के अंदर, वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज से हो रहे हैं, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज से हो रहे हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज़ जिस तरीके से कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ बन रही है, कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे डिग्रेड करें उस एमिशन को, और किस लेवल तक लेकर के आएँ, जो 1990 का लेवल था उस तक लेकर के आएँ, और डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये जिम्मेवारी है कि वो 5.2% ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करें। ठीक है, ये इसका मेन हमारा एम था, बट जो प्रोटोकॉल था ना, देखो ये जो प्रोटोकॉल था वो बेस था प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेस था। इसका मतलब देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा। देखो इसका मतलब ये था कि देखो ये सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी अर्थ पे बढ़ रही हैं उनका रिडक्शन करना है। ठीक है ना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री की है। क्यों? क्योंकि वहाँ से एमिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, इट पुट्स द ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस करंट इमिशन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द बेसिस दैट दे आर हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफेयर, क्योंकि वो अगर हम पीछे का देखें तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो करंट स्टेटस है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का एटमोसफेयर पे। ठीक है, अब देखो CBDR जो है उन्होंने डिवाइड किया दो कैटेगरी में, एनेक्सा 1 और एनेक्सा 2। ठीक है, एनेक्सा 1 में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को लिया, US, UK, जापान, रशिया को, मस्ट कंट्रीब्यूट मोर टू रिड्यूस GHG, जो जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था GHG में, और उनको क्या करना है 1990 के लेवल तक लेकर के आना है, और वो लीगली बाइंडिंग थे इस चीज़ के लिए। ठीक है, उनको कोटा डिसाइड किया जाता था। अब एनेक्सा 2 था, यानी डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा। अब देखो चाइना का नाम यहाँ पे आ रहा है क्योंकि 1997 की बात है, 2005 तक चाइना जो है इतना इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है ना, तो इसलिए उसका नाम एनेक्सा 2 में था उस टाइम। आज के टाइम में देखा जाए तो चाइना बहुत इमिट कर रहा है कार्बन इमिशन, वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है, तो वहाँ पे लीगली बाइंडिंग नहीं था, दे वर नॉट कंपल्सरी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं थी उनके ऊपर इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और इसी चीज़ से ही अमेरिका जो है उसने रेटिफाइड नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि वो ये समझता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कुछ नहीं होता है। और उस टाइम पे बुश की जो है गवर्नमेंट थी रिपब्लिकन पार्टी की, और उनका ये मानना था कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से आगे ना बढ़ें, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए ये काम किए जा रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वो ये इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, और यूएसए को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना एशियन कंट्रीज़ पे या उन कंट्रीज़ पे पड़ेगा जहाँ गर्मी है, तो उन्हें कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़म, देखो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि कुछ क्योटो पॉइंट्स दिए जाते थे, या आप समझ सकते हैं एक कोटा डिसाइड किया जाता था एक डेवलप्ड कंट्रीज़ का कि उससे ज़्यादा उसने कार्बन एमिशन नहीं करना है, अगर वो करता था तो फिर उसे दूसरे कंट्रीज से वो परचेज़ करना पड़ता था कोटा। तो इसको एक एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जैसे मान लो हमारे दो कंट्रीज़ हैं जापान और रशिया, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। तो जापान ने को 1000 पॉइंट्स दिए गए हैं और रशिया को 500, इट मींस रशिया जो है कार्बन एमिशन कर सकता है 500 पॉइंट्स तक, जापान कर सकता है 1000 पॉइंट्स तक। तो क्या होता था कि मान लो रशिया ने क्या किया, अच्छे से जो मेज़र जो कह सकते हैं हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेज़र्स अपनाने चाहिए वो नहीं अपनाए, तो उसका जो पॉइंट्स हो गए 530, कार्बन एमिशन ज़्यादा हो गया। और जापान ने अच्छे से वो मेज़र्स अपनाए और सोलर प्लांट्स लगाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इन्हेंस किया, तो उसके आ गए मान लो 950, ठीक है। तो अब जो ये कोटा है यानी कि जो 30 पॉइंट्स हैं जो रशिया के ज़्यादा हो गए हैं, तो उनका वो क्या कर सकता है, वो जापान से इनको ख़रीद सकता है, ठीक है, इन 30 पॉइंट्स को, और जापान उससे कुछ मनी ले सकता है, ठीक है। तो ये आगे ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड भी होते थे, ठीक है, तो ज़्यादा इन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि कोटा डिसाइड होता था और उसे परचेज भी किया जा सकता था दूसरे कंट्रीज से, ठीक है। देखो एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी बनाया गया, इट मींस अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है जो जीएचजी यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट फिर से इमिट कर रही है, ठीक है, फाइनेंस रिन्यूएबली एनर्जी प्रोजेक्ट इन, फिर उसके बाद वो क्या करिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में उतना ही वो पैसा लगा देती है और उससे सर्टिफिकेट ले लेती है कि उसने इतना ही रिडक्शन किया है उनको उतने ही पॉइंट्स का, तो फिर वो उस चीज़ से बच जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रशिया का एग्जांपल लिया था कि उसके 30 पॉइंट्स जो हैं ज़्यादा इमिट हो गए, अगर वो इन 30 पॉइंट्स को जापान से लेने की बजाय वो और कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अपने ही देश में लगा देता है या डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगा देता है मेनली, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगा देता है, तो फिर और वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लेता है, जैसे सोलर या हाइड्रो पावर प्लांट लगाया उसने वहाँ पे, तो उनसे एक सर्टिफिकेट ले लेता है कि जो मैंने काम किया है उससे 30 पॉइंट्स की कार्बन इमिशन जो है उसका रिडक्शन होगा, तो फिर वो अपनी लिमिट पूरी कर लेगा, ठीक है ना। तो एक और चीज़ आई उसके साथ साथ में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि देखो ये भी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू थी, बट उसमें क्या था कि आप सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस तरीके की प्रोजेक्ट लगाएंगे, और जिससे क्या होता था कि वहाँ पे उनको अपनी जो टेक्नोलॉजी है लेकर के जानी पड़ती थी, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को अच्छा नहीं लगता था कि हम अपनी टेक्नोलॉजी उन्हें दें। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही था जेआई में कि वो इमिशन जो है किसी और डेवलप्ड कंट्री में लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर वो डेवलप्ड कंट्री में लगाए तो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर सकता है उनकी, ठीक है, तो उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती थी वहाँ पे। एंड नॉन कम्प्लायंस इज़ आल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन दीज कंट्रीज़, ठीक है ना, जो नॉन कम्प्लायंस हुआ है वो उस कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हुआ, दोनों ने मिलकर भी कोई जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे, वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लगा सकते थे जो कार्बन इमिशन को कम करें, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग जो कि यूपीएससी में से मैंने लिए हैं, ठीक है, उनको देखते हैं और
बाद में हम जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से रिगार्डिंग दिसंबर 2019 को, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख विच अमंग द स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल, तो इट इज़ लीगली बाइंडिंग फॉर एनेक्सर वन कंट्रीज़, तो बिल्कुल ठीक है, एनेक्सर वन कंट्रीज़ के लिए लीगली बाइंडिंग था ये। ऑप्शन नंबर बी है इमर्ज्ड फ्रॉम द डेलिब्रेशंस ऑफ COP3 टू द UNFCCC, तो बिल्कुल ये इमर्ज हमारा COP3 में ही हुआ था। ठीक है, द सिग्नेटरीज हैव टू रिड्यूस देयर इंडिविजुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 5.2% फ्रॉम द 1990 लेवल, तो हमें बिल्कुल इमिशन को जो है रिड्यूस करना है 5.2% फ्रॉम 1990 लेवल, बट ये इंडिविजुअल हमारा नहीं था, ये कोलेबरेटिव था। ठीक है, सभी कंट्रीज़ को मिलकर के ये काम करना था, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो इनकरेक्ट है हमारा, तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर टू। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अमंगस्ट द फॉलोइंग कंट्रीज विच इज़ द फर्स्ट टू विड्रॉ फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल, तो सबसे पहले यहाँ पे किसने विड्रॉ किया हमारा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या क्यूबा, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2011 में कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योंकि उसने कहा कि देखो दो रीज़न है इसके, पहला ये कि जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में लार्जेस्ट इमिटर हैं जैसे कि USA है कार्बन इमिशन का लार्जेस्ट इमिटर, और दूसरा उसको तो वो तो रेटिफाइड ही नहीं किया उसने, ठीक है, वो तो आया ही नहीं इसमें के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल की ट्रीटी में, और दूसरा उसने ये रीज़न दिया कि चाइना जो पहले डेवलपिंग कंट्रीज था अभी भी उसको एनेक्सर टू में रखा गया है, इसलिए भी उसने कहा कि दो लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं जो लार्जेस्ट इमिटर कंट्रीज़ हैं उनको तो वो तो इसमें है ही नहीं, तो फिर मुझे भी विड्रॉ करना है, तो 2011 में ही विड्रॉ कर दिया था कनाडा ने। ठीक है, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। देखो कार्बन जो क्रेडिट सिस्टम था वाज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू द कंट्रीज ऑन ग्रुप दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेज बिलो द रिमिशन कोटा। ठीक है, द गोल ऑफ द क्रेडिट कार्ड सिस्टम टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ द कार्बन इमिशन कोटा, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट ए फिक्स्ड प्राइस, तो बिल्कुल फिक्स्ड प्राइस पर नहीं था ये, क्योंकि वो जो प्राइजेस थे ना वो अपने हिसाब से वो डिसाइड करते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम आंसर देखें तो ए बी एंड सी है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम रेटिफाइड किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में, कार्बन क्रेडिट्स जो है अवॉर्ड किए जाते थे बिल्कुल उन्हीं कंट्रीज़ को जो अपना कार्बन इमिशन का जो कोटा था उससे कम करते थे, उन्हीं को ही क्रेडिट्स मिलेगा ना, और जो गोल था गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम यही था कि हमने कार्बन इमिशन है उसको लिमिट करना है। ठीक है, उसको कम करना है टू द लिमिट द इंक्रीज ऑफ द कार्बन इमिशन, तो ए बी सी एंड करेक्ट, बट नॉट करेक्ट में हमारा यहाँ पे अगर इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, तो डी इज़ करेक्ट। ओके, अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल के मैंने आपको बताया था कि दो कमिटमेंट थी, फर्स्ट कमिटमेंट जो हमारी रही कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखो ध्यान रखना, फर्स्ट जो प्रोटोकॉल कमिटमेंट थी प्रोटोकॉल की वो थी 2008 से 2012 तक। ठीक है, और जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था वो हमारा 2012 से लेकर के 2020 तक था। ठीक है, और जो फर्स्ट कमिटमेंट हुई उसमें 36 कंट्री थी जिन्होंने फुली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, हावेवर 9 कंट्रीज हैड टू रिसोर्ट टू द फ्लैक्सीबल मैकेनिज्म बाई फंडिंग इमिशन रिडक्शन इन अदर कंट्रीज बिकॉज द नेशनल इमिशन वॉज स्लाइटली ग्रेटर दैन अदर टारगेट्स। उन्होंने फाइनेंशियली किया बट रेटिफाइड नहीं किया, जैसे USA है वो कभी पार्ट नहीं बना इसका, कभी रेटिफाइड नहीं किया उसने इस चीज़ को। द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-08 हेल्प रिड्यूस द इमिशन, द ग्रेटेस्ट इमिशन रिडक्शन वॉज सीन इन द फॉर्मल ईस्टर्न ब्लॉक, तो इसमें ज़्यादातर हमारे जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर रहे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ रही थी, हमारी फर्स्ट कमिटमेंट में जापान था और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया ने भी 2002 में इसको हमारा रेटिफाइड कर दिया था, बट जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था वो अच्छा नहीं रहा, जो कि हमारा 2012 से स्टार्ट हुआ 2012 से, और इसको दोहा अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कौन सी कॉप में था ये आप देखना वहाँ पे हमारा। ठीक है, वो हमारा 2012 की कॉप थी जो उसमें था दोहा अमेंडमेंट। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ जहाँ पे भी 37 कंट्रीज़ थी जो बाइंडिंग हुई, जैसे ऑस्ट्रेलिया आए, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन आए। ठीक है,
आइसलैंड, कज़ाकिस्तान, तो इस तरीके की कंट्रीज़ हमारी यहाँ पे आई और उन्होंने बाइंड किया इस चीज़ को। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जापान, न्यूजीलैंड और रशिया जो फर्स्ट कमिटमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सेकेंड कमिटमेंट में उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया, ठीक है। बट इंडिया इसका पार्ट फिर भी रहा था एज ए डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसके ऊपर कोई लीगली बाइंड नहीं था वो, ठीक है। अदर डेवलप्ड कंट्री विदाउट सेकेंड टारगेट्स आर, जो दूसरा और हमारा था, देखो कनाडा जिसने हमारा विड्रॉ कर लिया था हमारा ऑफिशियली 2012 में, ठीक है। 2011 में उसने कह दिया था कि अब मैं यहाँ पे नहीं मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में आगे बाइंडिंग रहूँगा, और 2012 में वो क्विट कर गया था। और यूनाइटेड स्टेट ऐसा था जिसने कभी रेटिफाइड ही नहीं किया इसको, ओके। बट अब उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, अगर हम देखें तो देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ हमारा दिसंबर 2019 के अंदर, अंडर क्योटो प्रोटोकॉल द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर द रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड यूरोपियन कम्युनिटी कंट्रीज़ वास, तो कौन सा था ये हमारा रहा हमारा, अगर हम इसमें पूछा फर्स्ट कमिटमेंट, तो फर्स्ट कमिटमेंट हमारी कब से कब तक रही, मैंने आपको बताया 2012 तक रही, 2008 से लेकर के, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ओके। और ये वाला क्वेश्चन एक और आया हुआ है हमारा, देखो क्योटो प्रोटोकॉल से ही कि जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था हैव टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस एमिशन, तो उनका जो टारगेट था वो क्या था, वो है यहाँ पे हमारा आंसर 18%। देखो मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पे इस पर सर्च किया कि सेकंड कमिटमेंट पीरियड में हमारा टारगेट क्या था, तो कहीं जगह 20% लिखा हुआ है, कहीं जगह 21, तो अगर नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आता है तो 18 से लेकर के 21% अगर सेकेंड कमिटमेंट पीरियड के बारे में, टारगेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको 18 से 20% या 21 भी आता है, तो आप देख के ऑप्शन टिक मार्क करना, ठीक है, ध्यान से, तो ये हो सकता है हमारा, क्योंकि मैंने सभी वेबसाइट्स पे चेक किया है तो कहीं जगह 20 लिखा हुआ है, कहीं जगह 21, ओके। और यूजीसी नेट जो मान रहा है वो 18% है, ठीक है। अब देखो मई 2020 में क्या हुआ, 138 स्टेट्स हैव एक्सेप्टेड द दोहा अमेंडमेंट को, उन्होंने फिर से कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं, वाइल एंट्री इनटू द रिक्वायर्स द एक्सेप्टेंस ऑफ 144 स्टेट, तो 144 स्टेट्स की मंजूरी चाहिए थी इसके लिए, बट सिर्फ 138 जो स्टेट्स हैं उन्होंने ही एक्सेप्ट किया, ऑफ द 37 पार्टीज विद बाइंडिंग कमिटमेंट्स, उसमें से 37 ऐसे पार्टीज होनी चाहिए थी जो बाइंडिंग कमिटमेंट्स होती है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज जो बाइंडिंग कमिटमेंट्स पे चले, बट उनमें से भी 34 ने ही रेटिफाइड किया इसे, तो ये फ्रेमवर्क जो है कोलैप्स हो गया, यानी क्योटो प्रोटोकॉल अब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। नेगोशिएशन अगर हम देखें जो अब नहीं है इसकी, क्योटो प्रोटोकॉल की, इसका एग्जिस्टेंस इसलिए भी नहीं है कि उसके बाद हमारा 2015 में अडॉप्शन की बात की गई पेरिस एग्रीमेंट की, और जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, कब स्टार्ट हुआ और क्या नहीं है, ठीक है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है हमारा, इसलिए नहीं, इसका दुखद कह सकते हैं हम एक तरीके से अंत हुआ है, क्योंकि इसके अंदर यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे वर्ल्ड की, और उन्होंने ये कहा कि हम इस पर इसको रेटिफाइड नहीं करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे कंट्रीज़ भी इससे स्किप होते रहे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी, ओके, बाय बाय।